पत्रकार वार्ता में आप सभी का मेरी तरफ से स्वागत है। आप सभी का यहाँ आने पर मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और आप ही पल पल की खबर आम जन तक पहुँचाते हैं, मुद्दों को उठाते हैं और पॉजिटिवली आपके माध्यम से भी इस लोकतंत्र के अंदर बहुत से काम होते हैं। आपका मैं स्वागत करता हूँ। हम 12 साल पार्टी में मैंने बीजेपी में बहुत ईमानदारी से काम किया, बहुत ही अनुशासन से काम किया, एक सच्चे सिपाही के तौर पर काम किया। लोगों के बीच में रहने की बात हो, लोगों का मान सम्मान करने की बात हो, बागपत पार्टी ने मुझे भेजा, वहाँ से हम कैंडिडेट को जिता करके लेकर के आए। फिरोजपुर झिरका का मुझे प्रभारी बनाया, वो सी क्लास सीट थी, वहाँ भी हम जीत करके आए। कोई भी रैली चुनाव के माध्यम से हो, जब माननीय मोदी जी द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए आए, पूरी बीजेपी संगठन के जितने लोग थे गुड़गांव जिले के, उससे ज़्यादा लोग हम लेकर के गए। उसके बावजूद भी वहाँ कुर्सी खाली थी। भीमनगर में माननीय मनोहर लाल जी आए, जब अपना पूरा साथ दिया, पूरी भीड़ लेके गए। गुरु कमल में भी आए, जब भी इस चुनाव की ताज़ा बातें बता रहा हूँ, पटोदा में रैली हुई, पटोदा रैली में भी 400 गाड़ियों का काफिला लेके गए। रोहतक में माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले चुनाव में आए, 370 गाड़ियाँ लेकर के गए, अपनी जी जान लगाई और पूरे समाज के अंदर ये भावना, एक आवाज़ भी आई कि इस आदमी का अब की बार दावा बनता है। तो आपके माध्यम सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ कि बहुत ही ईमानदारी से काम किया और मेरा दावा था। आप बता दीजिए जो मुझे सुन रहे हैं कि क्या मेरा टिकट का दावा नहीं था? बिल्कुल था। उसके बाद मेरी टिकट पता नहीं क्यों काटी। मैंने फिर भी अपनी बात लोगों को रखी कि आगे क्या करना है, लेकिन 36 बिरादरी की एक ही आवाज़ थी कि पिछले 5 साल में कम काम हुए गुरुग्राम में, कूड़े को लेकर, जल भराव को लेकर, ट्रैफिक जाम को लेकर, 900 मीटर के मुद्दे को लेकर, बस स्टैंड और हॉस्पिटल वाले मुद्दों को लेकर, मेट्रो को आगे ना बढ़ने को लेकर के लोगों में काफ़ी रोष भी है कि 9-10 साल की सरकार में ये सब काम होने चाहिए थे। तो लोगों ने कहा कि अब की बार हमें काम करने वाला आदमी चाहिए। और ये गुरुग्राम का इतिहास रहा है 82 से भी, यहाँ पर सभ्य आदमी MLA बना है, लोगों को सभ्य आदमी चाहिए। और मैं अपने व्यवहार के अंदर, अपने भाव के अंदर समर्पण भाव लेकर के चल रहा हूँ। किसी ने कुछ कह भी दिया, किसी ने कुछ खबर भी चला दी, तो मैंने कभी अब रिएक्ट नहीं किया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि लोगों ने मुझे ब्रिज गार्डन में आदेश किया कि चुनाव लड़ना है, 36 बिरादरी सभी RWA सभी संस्था और NGO के आदेश पर मैंने अगले दिन फिर बैठक बुलाई, जो एक पैदल मार्च था कोर्ट की पार्किंग में, वहाँ भी सभी ने कहा कि अब की बार चुनाव लड़ना है। जैसे ही हमारी रैली ख़त्म हुई, लिस्ट आ गई, उसमें हमारा नाम नहीं, मुझे लगा कि अब लोग कम हो जाएंगे मेरे साथ। लेकिन मैं गोपाल नगर में राजकुमार शर्मा जी के घर पे था, वहाँ पर सैकड़ों लोग आ गए कि नवीन भाई थकना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। मैं उसके बाद सीधा शीतला माता मंदिर पहुँचा, वहाँ मैंने आशीर्वाद लिया माँ का। उसके बाद मैंने अगली यहाँ पर इसी ऑफिस में आया तो यहाँ पर 1000 लोग खड़े थे, सब ने कहा कि रुकना नहीं है। फिर भी मैंने अगले दिन एक मीटिंग और सुम वाटिका में बुलाई, जहाँ पर करीबन 4000 लोग आए और सभी ने आदेश किया कि लड़ना है। तो मैं जनता की टिकट पर, जनता ही पार्टी है, मैंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। और आप सबके आशीर्वाद से देवतुल्य जनता का बहुत ही साथ समर्थन मुझे मिल रहा है, बहुत से लोगों ने मुझे समर्थन दिया है। 36 बिरादरी के लोग हमारे क्रिश्चियन समाज से, हमारे फादर साहब रोबिन मोसेस जी बैठे हैं, सभी धर्म बिरादरियों के लोगों का हम साथ लेके चल रहे हैं। कल की मुझे मीडिया के साथियों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ सूचना मिली, उसके लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। एक तो बताना चाहता हूँ कि जब टिकट फाइनल हो गई, जब हमने फैसला किया कि हम चुनाव लड़ेंगे, कई दिन तक तो खबर चल रही कि मंथन हो रहा है। मंथन उसी बात का होता है जब कोई फैसला गलत होता है। उसके बाद 4-5 दिन तक दबाव बनाने की कोशिश की कि ये तो बैठ जाएगा, बैठ गया है। जबकि मैं बताना चाहता हूँ कि कैंडिडेट का ना मेरे पास कोई फ़ोन आया,
और ना कैंडिडेट ने मेरे से कोई मुलाकात की, बल्कि उनके आदमियों ने बीच बीच में हमारे लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी उंगलीबाजी भी की है, मैं आपको भी बताऊंगा। उसके बाद हमने नॉमिनेशन भरा और नॉमिनेशन के अंदर भरने से पहले मैं स्वामी श्री धर्मदेव जी महाराज जी का आशीर्वाद लेने गया, गढ़ी असरू वैष्णो माता का आशीर्वाद लेने गया, पूनम माता जी का, और उसके बाद मैं शीतला माता दर्शन किए, बाबा प्रकाशपुरी के धाम पर मत्था टेका, महावीर स्वामी हमारे जैन मंदिर में हमने मत्था टेका, एक गुरुद्वारे में मत्था टेका सब्जी मंडी, और एक सिद्धेश्वर मंदिर में खाटू श्याम बाबा के मंदिर में मत्था टेक के हम नॉमिनेशन में गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी और कांग्रेस के दोनों की नॉमिनेशन में जितने लोग थे उससे तीन गुना लोग, डीपी भाई साहब आ जाओ, उसमें तीन गुना लोग हमारे नॉमिनेशन में आए, और उसमें छत्तीस बिरादरी वहाँ पर पहुँचे। उस नॉमिनेशन में सदर बाजार के मेरे व्यापारी भाइयों को धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने पलक पावड़े बिछा करके मेरा स्वागत किया, मैं तहे दिल से उनका आभार अभिनंदन करता हूँ। और हम बहुत ही भाव के साथ आशीर्वाद लेने के लिए जन आशीर्वाद सभाएं कर रहे हैं, चाय पर चर्चा कर रहे हैं, हमने संकल्प पत्र अपना तैयार कर लिया है, संकल्प पत्र आपको कल तक हम जारी कर देंगे। हमने गुड़गावा में क्या क्या काम होने चाहिए वो हम गुड़गावा की जनता के आशीर्वाद से ही कर पाएंगे, और हम जनता से 5 साल के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, और हमें 5 साल इसलिए चाहिए कि हम 5 साल में एक मॉडल गुड़गांव बनाना चाहते हैं। 20 साल में जितने काम नहीं हुए अगले 5 साल में उतने काम करना चाहते हैं। शुरू के 100 दिनों में सड़क, सीवर, बिजली, पानी, सफाई, जो लाइट की दिक्कतें हैं, जो सड़क में गड्ढे ज़्यादा हैं, पार्क के अंदर घास नहीं है, स्ट्रीट लाइट खराब है, उस पर काम करना है। पहली आवाज़ विधानसभा में 900 मीटर के मुद्दे की उठानी है। हम अपना मस्त होकर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो वाणिज्य उद्योग के केंद्र के मंत्री हैं, कल उनका मैंने भाषण सुना, उन्होंने कहा कि गोयल वोयल है, वोयल नहीं है गोयल, गोयल रोयल है, और गोयल लोयल है। गोयल गुरुग्राम की जनता के लिए लोयल है, और मेरा चुनाव जनता ही लड़ रही है। उन्होंने कहा कि दरवाजे बंद हो जाएंगे, मैं कहना चाहता हूँ सर, मेरा फैसला जनता ने ही चुनाव लड़वाने का किया है, और मैं आपको बहुत ही विनम्रतापूर्वक, आप समाज के अग्रणीय हैं, देश के बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, आपका मैं दिल से सम्मान करता हूं, दिल से आभार करता हूं। मुझे लग रहा है शायद आपको पूरी सूचना नहीं मिली, आपको जो बताया गया आपने शायद वही बोल दिया। जो कैंडिडेट के पक्ष में आप प्रचार करने के लिए आए हैं, ऑन रिकॉर्ड वीडियो है, उन्होंने 2 बार बादशाहपुर से चुनाव लड़ा, 1 बार बीजेपी से चुनाव लड़ा, 2014 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, और जब 2014 में आप में से भी कुछ लोग उसके साक्षी होंगे, जब चुनाव लड़ा तो बीजेपी के सेंटर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पर, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी पर, आदरणीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी जो स्वर्ग में हैं, और पंडित जी रामविलास शर्मा जी तो जीते जागते जो भाजपा को हरियाणा में खड़े करने वाले विषम पितामह हैं, उनके बारे में भी करप्शन के आरोप लगाए, काफ़ी उल्टा बोला, गालियां तक भी दी। अगर उस आदमी को आप उसके बावजूद भी टिकट दे रहे हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ तो वो अपना जन्मदिन डीजे बना करके बजा रहे थे। ये भाजपा के संगठन की मुझे नहीं पता कौन सी पॉलिसी है कि ऐसे व्यक्ति को भी पार्टी ने टिकट दिया। उस आदमी की एंट्री होकर टिकट मिल सकती है। 2019 में 5 निर्दलीय विधायकों के माध्यम से सरकार चली और कईयों को तो चेयरमैन भी बनाया, धर्मपाल गोंदर जी, स्वामीवीर सांगवान जी, तमाम 4-5 लोगों के अंदर। उसके अलावा अभी भी मैं देख रहा था, चाहे वो रामकुमार गौतम जी हों, चाहे प्रदीप सांगवान जी हों, तमाम राजेंद्र जी देश लूजा ऐसा कुछ नाम है, कई नेताओं को जो पार्टी छोड़ गए थे दोबारा ज्वाइन करके काम कराए। मेरा मुद्दा सिर्फ गुड़गावा की विकास करना है, मेरा मुद्दा गुड़गावा के लोगों को एक हैप्पीनेस इंडेक्स आगे बढ़ाना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका सदर बाजार में प्रोग्राम होना और आपका स्पेशल सीधा ऐसा बोलना, तो मैं तो आपके चरणों में फूल चढ़ाता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपने कहा, मैं तो मेरे 2000 वोट हैं या 4000 वोट आपने बताए हैं, ये तो फैसला 5 तारीख को होगा। मेरी माताएं बहनें मंगल गीत गाते हुए कांच का गिलास का बटन दबाएंगी, और हम तो कह रहे हैं कि हम गुरुग्राम को नंबर 1 करने का, बनाने का करेंगे प्रयास, और हमारा चुनाव चिन्ह कांच का गिलास, हम अपने गुरुग्राम को बनाएंगे वर्ल्ड क्लास, और हमारा चुनाव चिन्ह कांच का गिलास। 36 बिरादरी, सभी RWA संस्थाओं, NGO का, सभी धर्मों का लेकर के चला हूँ विश्वास, हमारा चुनाव चिन्ह कांच का गिलास।
मैं आपको कहना चाहता हूँ, गुरुग्राम को सही मायने में बनाएंगे फर्स्ट क्लास, हमारा चुनाव चिन्ह है कांच का गिलास, और गुरुग्राम की जनता से, गुरुग्राम की देवतुल्य जनता को चरणों में करता हूँ अरदास की बटन दबा देना, ईवीएम को भर देना, ऐसी करता हूँ अरदास, हमारा चुनाव चिन्ह है कांच का। और बहुत विनम्रता से काम करेंगे। आज एक घटना और हुई, उसकी सूचना एक डेढ़ मिनट में कुलबीर सिंह छोराण जी आर्ट सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अपने माध्यम से बताएं। मैं कुलबीर सिंह छोराण, मैं बैंक रिटायर्ड अधिकारी हूँ। रिटायरमेंट के बाद में मैं सेक्टर 45 में एपेक्स सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, और साथ में मैं 9 सोसाइटी है 45 सेक्टर में, उसकी फेडरेशन बनी हुई है फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 45, मैं उसका भी सेक्रेटरी हूँ। चुनाव का टाइम है, प्रजातंत्र है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, उसमें कोई दंगा मस्ती लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं होती, हर कोई आदमी किसी न किसी का सपोर्टर होता है। तो आज सुबह एक अचानक ऐसी घटना हो, आज नहीं बल्कि परसों से हुई, कोई रेखा भारद्वाज है मैं नहीं जानता, उसका परसों से मेरे पास फोन आ रहा है, वो कह रही है मैं मुकेश शर्मा की बहन हूँ और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं कहा मैडम बोलो किस विषय में मिलना चाहती हो, तो उसने ये कहा कि मुकेश शर्मा की मैं बहन हूँ और उसके लिए वोट मांगना है। मैंने कहा मैडम हम 5 साल से नवीन गोयल जी के साथ हैं और हमने उनके साथ काम किया है, उनको देखा है और हमने एक फैसला ले रखा है कि भाई हम नवीन गोयल जी को वोट देंगे, तो इसके लिए मुलाकात करने की कोई मुझे जरूरत नहीं लगती कि मैं आपके साथ बात करूं। तो वो बात उसके बाद वो 3-4 घंटे बाद मेरी सोसाइटी आई, गेट पे आई है, सिक्योरिटी गार्ड के साथ लड़ाई करी, कहते सारी सोसाइटी के मेरे को रेजिडेंट के नंबर की लिस्ट चाहिए, तो उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं दे सकते किसी के प्राइवेट नंबर, हम कैसे आपको शेयर करते हैं, मना कर दिया गया उसको। फिर उसने कहा कि मेरे को प्रेसिडेंट के नंबर चाहिए, प्रेसिडेंट के नंबर चाहिए, तो उसने गार्ड ने ये कहा कि प्रेसिडेंट के नहीं सेक्रेटरी के हैं, तो उसने कहा नाम क्या है, कहते कुलदीप सोरा, कहता नहीं उसको तो मैं देख लूंगी और मेरे को प्रेसिडेंट का नंबर दो मैं उससे शिकायत करूंगी, तो वो कहने लगे हमारे पास नहीं, कहते रात को मैं दोबारा आऊंगी मेरे को नंबर देना है। ये बात परसों की, कल रात को मैं सो चुका था 10:30 बजे मेरे पास फोन आया विकास मल्होत्रा है, वो कहता जी सर हम आपसे मिलने आए हैं। मैं कहा कौन हो, कहाँ से आए हो, कहता है सेक्टर 45 से हैं, तो मैं कहाँ हो, कहता आपकी सोसाइटी गेट पे खड़े हैं, मैं किस विषय में बात करनी है, कहते जी हम मुकेश शर्मा के लिए आपसे बात करने आए। मुकेश जी बात करने वाली क्या बात, हर आदमी की अपनी स्टेट विल होती है, हमारा अपना एक निर्णय है, हमने सोच रखा है, तो उसमें बार बार आपके कहने से मैं कोई ये थोड़ा कि बच्चा हूँ और मैं बहक जाऊँगा या मैं आप मेरे को टॉफी दे दोगे मैं बदल जाऊँगा, हमारा एक ही है कि हम नवीन गोयल को साथ दे रहे हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। तो ये कह के ओके सर, ये कह के उसने फोन काट दिया, मैं सो गया। उसके बाद आज सुबह लगभग 10 बजे की बात होंगी, उसमें वीडियो में टाइम होगा, मैंने सुबह कोई 15 करीब आदमी आए हैं, उसमें एक बलवंत मैं ज़िंदगी में पहली बार मिला हूँ, उसने बताया कि मैं मुकेश शर्मा का सगा भाई हूँ। एक और आदमी था उसको वो कह रही थी एक कजन है, और एक वो रेखा भारद्वाज जिससे मैं अब तक मिला नहीं था, वो भी साथ थी लेडी, वो भी साथ थी, और लगभग 10-15 के करीब और आदमी होंगे। सुबह 10 बजे की बात है, सारे वीडियो क्योंकि ये ज़्यादातर हमारी सोसाइटी के गेट पे हुआ है जहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उन्होंने पुलिस को भी बुलाया, वो जो ये होती है PCR मैन है वो, उस मेरे को लड़ाई होने के बाद में धमकाने के बाद में उन्होंने ये कहा कि PCR को बुलाओ 112, उनको कहो कि ये हमें मुकेश शर्मा की कंपेनी करने से रोक रहे हैं, तो उन्होंने फोन कर दिया, तो चाहता तो मैं भी बुला लेता, कोई ऐसी बात नहीं, पुलिस का हम हरियाणा में बैठे आज से नहीं बैठे 50 साल से बैठे हैं, अच्छी तरह जानते हैं पुलिस को, मेरे साथ यहाँ गुड़गांव SSP रिटायर हुए, पुलिस के हर महकमे में हर थाने में मेरे आदमी बैठे, इवन 40 सेक्टर का SHO मेरा दोस्त है, तो इसलिए मैंने उसको सीरियस ले लिया। उन्होंने फोन करा 112 पे आ गई, मैंने भी बाद में फोन किया उसके, जब वो निकल गए मैंने ही फोन किया उसके बाद, तो मुद्दा बताता हूँ कि मतलब गड़बड़ कहाँ से शुरू, हमें कोई दिक्कत नहीं मुकेश शर्मा वोट मांगे, प्रजातंत्र में सबको वोट मांगने का अधिकार है, हो सकता है मेरी सोसाइटी में 2-4 घर ऐसे हों जो BJP को वोट दें, जो कांग्रेस को वोट दें, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, जिसका मन जहाँ मिलता है वहाँ वोट दें, हम तो सिर्फ अपनी एक कंपेनिंग कर सकते हैं, वो हमारा राइट है। तो आज जो आए हैं, आज कहानी क्या हुई है, क्योंकि 2 दिन से उन्होंने पहले षड्यंत्र घेर रखा था कि 9 सोसाइटियों का प्रतिनिधित्व करता है, सारी जगह मीटिंग करता है, तो इसको काबू करो, तो एक कोई राठी भी थे मेरे को ध्यान, बार बार वो राठी कह रहे थे, वो राठी भी मेरे को बार बार कह रहा धमका रहा था कि भाई ऐसे एक लड़के ने हाथ उठाने की कोशिश की, एक लड़के ने, मैं फोटो में दिखा सकता हूँ उस लड़के को, उसने मेरी तरफ यूं करके मारने के लिए भी आए, और फिर उसके बाद लड़ाई बात बढ़ने लगी ना, मैं कहा जो तुमने करना हो करो, मैं चला और मैं अपने ऊपर फ्लैट में चला गया, गेट के सामने 3rd फ्लोर है, तो मैं नहीं था, मैं 3rd फ्लोर पे, तो मैं यूँ था मैं सामने रहूंगा कि आदमी फिर बात होती रहेगी सुनाई देता लड़ाई होगी, तो मैं अंदर हो गया शीशे में से देख रहा था, मेरी वाइफ वहाँ खड़ी थी, तो मेरी वाइफ मेरे को अंदर बता रही है कि वो ये कह रहे हैं कि उसको नीचे बुला लो, गाड़ी में डाल दो इसको, ये बलवंत और उसका जो कजन बता रहे थे ये वो बोल रहे थे इसको गाड़ी में डाल लो,
ये प्रजातंत्र है, ये दिल्ली एनसीआर का प्रजातंतर है। हालांकि मैं उसको साफ क्या, जो हमने सोच रखा वो करेंगे, किसी दबाव में उसमें नहीं करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि गुड़गांव की प्रेस को ये पता होना चाहिए कि प्रजातंत्र का गुड़गांव में हाल क्या है, क्या इस तरह चुनाव लड़े जाते हैं, क्या इस तरह जीत ली जाती है। और मैंने उसको जब हाँ उन्होंने काम और किया, हमने सोसाइटी के अंदर दो अमीन जी के कोई तीन चार महीने पुराने पोस्टर लगा रखे थे, वो पोस्टर फाड़े हैं, दोनों पोस्टर की मेरे पास फोटो है, फाटते हुए की फोटो है, नीचे पड़े हुए की फोटो है। तो ये प्रजातंत्र में मैं नहीं मानता, वोट किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी कोई, वो मेरी सोसाइटी में कुछ ऐसा आदमी है जो उसको मुकेश शर्मा को वोट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दो बड़े शौक से दो, हर आदमी का राइट है। तो जो ये हुआ ये गलत हुआ है और ये नोट होना चाहिए। और मैंने एक बात उनको पर्दा फाट लेते कहा था, नोट कर लेना, ये चुनाव में तुम्हें इसका जवाब भी मिलेगा। थैंक यू ऑल। प्रजातंत्र में ये चीजें अच्छी नहीं है, गुरुग्राम को बाहुबली नहीं चाहिए, गुरुग्राम को काम करने वाला आदमी चाहिए। मैं 5 साल में रोज हर हफ्ते कागज लेकर के मंत्रालय में ISIPS के पास गया हूँ, लोगों के काम करवाने की कोशिश की है। हमारे कांग्रेस या BJP के कोई भी कैंडिडेट आपको कभी भी कागज लेकर के जनता के अधिकारियों या नेताओं के पास नहीं गए। इसलिए मैं गुरुग्राम की जनता को कहना चाहता हूँ, एक सामान्य सा आदमी हूँ, एक भाव के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ, काम करना चाहता हूँ, मर्जी आपकी है, मुझे साथ चाहिए, गुरुग्राम के लिए काम करूँगा, गुरुग्राम को चमकाऊंगा। आपको हाथ जोड़ के गुड़गांव की जनता को कहना चाहता हूं और उन भाइयों को भी कहना चाहता हूं, इस तरह की बदतमीजियां ना करें। हमारी एक दो बार गाड़ी में कुछ महिलाएं थी, उनके वहां खड़े होकर नारेबाजी की। हमारा एक लड़का कल डोर टू डोर करने गया, कोई सोनू नाम का लड़के ने उसको फ़ोन करके धमकियाँ दी हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दे देंगे। उसने कहा है कि अलग बटन जो भी कहा आप सुन लेना, उसको धमकाया गया है। तो इस तरह की धमकाने की चीज़ें महिला के साथ, लक्ष्मण विहार में एक महिला के साथ कोई घेर के खड़े हो गए, घेर के खड़े हो गए चार लड़के, ललिता नाम मैडम लगा, फिर वो उनका घरवाला गया, फिर उन्होंने माफ़ी मांगने को आदमी आया उनका। तो महिला को घेरना, पोस्टर फाड़ना, वोट ना देने की बात को लेकर के 15 आदमी लेकर के बदतमीजी करना, हाथ को उठाना, ये अच्छी बात नहीं। ये आर की निशानी है, आर की निशानी है जी, सारा गुंडागर्दी कहें इसमें BJP। आप समझदार राजेश, इसमें और क्या कहेंगे, BJP की नहीं, जो आदमी कैंडिडेट है उसके आदमी है जो जी। आपका कोई प्रश्न है तो आप कोई शिकायत वगैरह भी दे दें आप इस मामले में। हाँ मैं अभी जाऊंगा, मेरी बात होगी, उन्होंने ये कहा था कि आप लिख के दो, तो उसका सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, अरे मेरा फोन दे दो भाई, 5 बार वो पर्दे फाड़ने की है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो मैं अभी थाने जाऊंगा, 40 सेक्टर जाऊंगा, मैं लिख के वहां पे दूंगा आपको, वीडियो भी मिल जाएंगी, इन्होंने सुराणा साहब ने मुझे भेजी है, आपको थोड़ा सा वीडियो दिखा देता हूँ। ये आखिरी वीडियो में तो एक शख्स देखिए, बोर्ड लगा हुआ है उसको फाड़ रहा है, नवीन गोयल का बोर्ड, उसके गले में BJP का पटका है, उसने फिर एक आदमी और बुलाया है, फिर दूसरा बंदा गया देखिए इस फ्लेक्स को फाड़ रहा है, देख सकते हो सारे आदमी इकट्ठे हैं, बलवंत भाई है उसका, सारे आदमी साथ, और तोवड़ों को पिटता है वो, ये सेक्टर 56 में जितने भी बोर्ड लगे थे ना सारा फाड़ दिया 2 दिन पहले। हमारे आदमियों का भेष बना करके भी कुछ बदतमीजियां कर रहे हैं ताकि हमारा चुनाव खराब हो, हमारे पटके पहन के, उनके पास मुद्दे नहीं है नवीन भाई, उसको ये रात तक का समय है, समर्थन दे दें, उसके बाद रास्ते दरवाजे बंद हो जाएंगे। आपको जवाब दिया ना सर, मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, मेरा फैसला जनता करेगी, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, मैं जनता की टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूँ, चुनाव वापस लेने का कोई मतलब नहीं। जी क्या कारण मांगते हैं आपके बाद किसी नेता ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की? नहीं मेरे पास कोई। नवीन जी क्या कारण मानते हैं कि निर्दलीय और भी प्रत्याशी मैदान में है, सिर्फ नवीन गोयल टारगेट की भाजपा? आपको समझ में आ रही है सब, आप समझ गए, आप सब समझते हैं। मैं तो सबका आशीर्वाद मांग रहा हूँ, सबकी शुभकामनाएं ले रहा हूँ, और मेरा तो एक और वादा था, अगर मुझे टिकट मिलती मैं प्रचार कम करता और सड़क पे सफाई ज्यादा करवाता, उन अधिकारियों को लेकर के वहाँ खड़ा हो जाता। लोग कह रहे हैं कि गुड़गांव में हमारी गारंटी है, अरे भाई विष्णु गार्डन में जाकर के वहाँ सीवर के पानी में लोग जी रहे हैं, कम से कम वहाँ जाकर वहाँ सीवर का पानी निकलवा दीजिए,
शीतला कॉलोनी ई ब्लॉक में लोग सीवर के पानी में जी रहे हैं, बहुत शर्म आती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बनते ही शुरुआत के पहले महीने में भी कहीं भी सीवर का पानी की एक बूंद भी नहीं छोड़ूंगा और परमानेंट उसका समाधान करवाऊंगा। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, मैंने ये कहा था कि बनने के बाद मेरी जनता ही मेरा फैसला करेगी। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं मोदी जी का मानता हूँ, फॉलोवर हूँ, उनको भी अगर कुछ लोग अगर उनको मेरी कहीं जरूरत होगी याद कर लेंगे। मैंने ये कहा था, मैंने ये नहीं कहा कि मैं शामिल हो जाऊँगा, मैंने ये कहा था कि जनता मेरा फैसला करेगी। मेरा अब सारा सिस्टम मेरी पब्लिक देवतुल्य जनता के हाथ में। नवीन जी, आपने भी बताया और खुद भाजपा प्रत्याशी जो गांव से है वो पहले बादशाहपुर से था, उन्होंने भी आरोप लगाया था पिछली बार इलेक्शन में, ऑडियो और वीडियो भी जारी हुई थी कि पैसे लेके टिकट नहीं दी गई, तो इस बार ऐसे ही बंदे को टिकट क्यों मिलती भाजपा? जब भी तो लोग रोष है, जब भी तो पार्टी हरियाणा में बहुत से लोग छोड़ गए। और कुछ कहना चाहता हूँ, इसको सुन लीजिए ध्यान से। बादशाहपुर की जनता ने दिया नकार एक नहीं दो बार, गुरुग्राम क्यों करे स्वीकार? मुझे नहीं पता, बाजार में चर्चा है, बाजार में चर्चा है दिए नहीं, नहीं शहर बोल रहा है। ऐसा है जी, मैं आपके आदमी भी ला सकता हूँ, पैसे बांट रहे हैं अभी से कि वोट दो, 1000 लो, 2000 लो। हमारे आदमी को हर आदमी टारगेट कर रहे हैं, बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं, ये बहुत गंदी बात है लोकतंत्र के। ये रविदास सभा के प्रधान है योगेंद्र जी, कल भी जैकमपुरे के अंदर डोर टू डोर गए हैं और उसके बाद उन्होंने हर महिलाओं को 1000 रुपए देके गए कि जी हमें आप वोट देना, और तीन दिन पहले भी पैसे बांटे गए हैं, सबके सबके नंबर लेके जा रहे हैं। नंबर किस लिए? जो पैसे दे रहे हैं जी कुमार को 5 तारीख को वोट देना। ये काम आपको खुलेआम कर रहे हैं चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो कुछ भी ना बोल रहे। अगर हमारे खिलाफ उंगली ना करे तो हम तो चुपचाप बैठे। मैं तो एक बात आज नोट कर लो, 5 तारीख का चुनाव है, मैं तो किसी प्रत्याशी के लिए कुछ भी ना बोलूं, लेकिन शुरुआत में बोलूं मैं जवाब ना दूं तो मैं मर गया। अरे यार आराम से लड़ने दो यार चुनाव को, हम कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं, हम ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी भावना से चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच में रह करके आशीर्वाद मांग रहे हैं। गुड़गांव की जनता मालिक है, जिसका बटन दबेगा उसमें से ही इलेक्ट्रोल का जो मन होगा उसमें से विधायक निकलेगा, उसमें से कोई भी हो सकता है। जनता मालिक है साहब, जनता को ऊपर फैसला छोड़ दीजिए, लोकतंत्र पर डेमोक्रेसी पर विश्वास करिए। मैंने किसी भी नेता से, मैंने टिकट कटने के बाद भी किसी भी नेता के बारे में एक शब्द नहीं बोला। माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी के लिए मैंने अपने गुड़गांव विधानसभा में सबसे ज़्यादा काम किया था, ये सारे लोग उस चुनाव में लगे हुए थे, 30 कॉलोनियों में डोर टू डोर किया था। मन में दुख तो होता है लेकिन उसके बावजूद भी एक शब्द नहीं बोला, ना बोलूंगा। नवीन जी, भाजपा के अंदर पन्ना प्रमुखों की बड़ी भूमिका थी कि कहते हैं कि उन्होंने चुनाव जितवाया था, लेकिन अभी पन्ना प्रमुखों के अलावा मंडल अध्यक्ष भी पार्टी छोड़ चुके हैं, ऐसे में कितनी? ये सारे जवाब आप उनसे पूछ लीजिए। मैं बताया नाराजगी है। हालांकि बीजेपी पे तो संगठन था, वो भी छोड़ गया, कांग्रेस के पास संगठन ही नहीं है। मैंने तो उनकी नॉमिनेशन की रैली देखी थी, वो भी आपकी किसी मीडिया के भाई ने भेजी थी, करीबन 300-400 कुर्सी थी, वो भी आधी खाली पड़ी थी। वो कैंडिडेट भी मोहित ग्रोवर जी, कांग्रेस के जो कैंडिडेट है, वो जनता के बीच में 5 साल नहीं रहे, और बीजेपी के कैंडिडेट भी आखिर के 1 साल में आए हैं। मैं पिछले 10 साल से सक्रियता से लगा हुआ हूँ और खासकर 5 साल से तो 24 घंटे। जैसे कि आपके साथियों ने कहा, आपकी तरफ से भी कोई पुलिस में शिकायत की जाएगी या नहीं की जाएगी, पोस्ट फाइंडिंग या जो भी आरोप आएंगे? आप ही सलाह दे देना क्या करना है। मैं तो चाहता नहीं कोई बातें आगे खींचे ना भाई साहब, हमें बातें खींचनी नहीं है, हमें आराम से। हमारे बंटी भाई साहब हैं, हमारे नवीन गोयल भाई जैसा कोई प्रत्याशी नहीं है जी गुड़गांव में, बिल्कुल कूल माइंड हो गए, इतने शांत, इतने सिंपल। और एक बात और बताऊं, आप मेरे से कभी भी मिलना, अपन सेम फील सेम भाव वाले आदमी रहते हैं, मस्त हो गए लोगों के बीच में जाना। कल में हमारी
करीबन 17-18 सभाएं थी। इतना प्यार लोगों का मिल रहा है, मैं दिल से धन्यवादी हूँ। एक एक कॉलोनी, एक एक सेक्टर, एक एक गांव, एक एक सोसाइटी को, एक एक आदमी को जानता हूँ, एक एक समस्या से वाकिफ हूँ और उसका क्या समाधान करना है उसका भी रोड मैप बना रखा है। बस परमात्मा ऊपर वाला जो है शक्ति देगी, हम इस चुनाव में आगे बढ़े, आगे जीते। और मैं ये कह ही नहीं रहा कि कौन कितने नंबर पे है, कौन कहाँ है। हम ये कह रहे हैं कि गुड़गांव की जनता ही मालिक है, हम चुनाव बढ़िया लड़ेंगे। और मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि अब की बार सबसे बढ़िया बूथ की प्लानिंग हो। टेंटों में मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी माताएं बहनें बैठे हैं, मेरे युवा साथी जोश के साथ एक एक वोट डलवाएँ और कांच के गिलास को पूरा ओवर फ्लो कर दें। और कांच का गिलास सूख भी है, सुखबीर कटारिया मंत्री जी भी सुना है कि वो कांच के गिलास में जीते थे। राकेश दौलताबादी जो स्वर्ग में हैं वो भी कांच के गिलास से जीते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों का जन आशीर्वाद जिस हिसाब से मिल रहा है, बहुत अच्छी जीत होनी चाहिए। नवीन जी, बीजेपी में जो सर्वे हुआ था, रामचंद्र जी ने एक भाषण के अंदर बोला था कि जो बीजेपी का सर्वे हुआ उसमें मुकेश का नाम सबसे आगे था, आप ऐसा है जी, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। आप लोग ग्राउंड पे रहते हो, आपसे बड़ा सर्वे कोई नहीं कर सकता। और वो सर्वे का रिजल्ट तो 8 तारीख को आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।